मेरी पोनी 1 साल की हो गई है। अब वो स्टरलाइजेशन के लिए यानी नसबंदी के लिए आज जाएगी, तो उससे पहले उसको खाना दे देती हूँ थोड़ा, जिससे थोड़ा उसका पेट भरा रहे, मुझे भी थोड़ा संतुष्टि मिल रहा है कि वो भूखी ना रहे। दी या स्टरलाइजेशन करने से पहले सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। फिर भी थोड़ा सा रिस्क होता है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा मेरी बॉनी अच्छे से ऑपरेशन हो करके अच्छे से लौट आए, स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, प्लीज। अरे बॉनी जेल में बंद, और कौन कौन है? HSI जो है संस्था है उसकी गाड़ी है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टरलाइजेशन करती है, और आपको इस तरह का जो फॉर्म आपको फिल करना होगा, और इसके साथ ध्यान रखिएगा एक डॉग का फोटो और वीडियो बना लीजिएगा ताकि डिसलोकेट किसी भी कंडीशन में ना हो पाए।